আকাশে রয়েছে তিনটা আছে नमस्कार जेके मीडिया में आपका स्वागत है। अभी हम चिल्ली केलाड़ का इलाका जहाँ पर दूरदराज के लोग यहाँ पर बसते हैं, देहाती लोग हैं और यहाँ पर आज भी रस्म है। अभी हम घराट जो पुराने दौर में जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे और जिसको हम आज चक्की कहते हैं, वो तो लाइट से चलती है लेकिन ये पानी से चलता है। इसका जितना भी सामान है पूरा लकड़ी से बना होगा और इसी विषय में यहाँ के जो घराट के मालिक हैं शंकर लाल जी हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे पूछेंगे कि कितना टाइम लगता है आटा को पीसने के लिए और कितनी स्पीड से ये पीसता है। कितना टाइम हो गया आपको जो ये घराट आपका है? ये इस घराट ये तो बड़े देर से घराट है और बड़ी देर से पुराना बुजुर्गी घराट है। तो ये चलता है, हम चलाते हैं इसी पानी से चलता है। लकड़ी का सारा सामान है, सिर्फ दो पत्थर हैं इसको लगे, कुछ लोहा भी है ना। तो यह चलता है पुराना है। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराना पत्थर है। कैसे आप इसको जो तैयार करते हो पत्थर को, क्योंकि इसको तराश कर बनाया गया है, बहुत मेहनत लगी होगी इस पर? बहुत मेहनत लगती है इस पत्थर को, ये बड़ा मेहनत से बनाना पड़ता है और हम बनाते हैं इसको अपने फायदे के लिए, अपने नस के लिए बनाते हैं। पुराना अपना बुजुर्गी काम है हमारा, तो इसलिए बनाते हैं। यहाँ कोई चक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, हम देसी घराट पीते हैं। तो कुछ और भी लोग जो घराट जो आटा यहाँ पर पीसने के लिए आए हैं, मक्की है और दूसरा गेहूँ, तो उनसे पूछेंगे कितनी यहाँ पर आबादी है और दिन में कितने लोग यहाँ पर जो आटा पीसने के लिए आते हैं। नमस्कार सर, जेके मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके माध्यम से हमारे घराट की आज समस्याएं, कुछ हमारी समस्याएं हल हो रही हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये घराट चल रहा है, ये घराट एक ऐसी चीज़ है, ये घराट एक ऐसी चीज़ है, इसको पत्थर, पहले पत्थर को तराशा जाता है, पत्थर को देखा जाता है, उसके बाद इसकी निशानदेही दी जाती है और फिर हाथों से इसकी खुदाई की जाती है। हाथों से खुदाई करने के बाद इसको घराट, एक घराट बनाया जाता है, क्योंकि ये घराट ये कणक हमारी मक्कियाँ पीसने के काम आता है। क्योंकि ये जो घराट की जो समस्या ये है, क्योंकि ये पानी के साथ चलता है, पानी के साथ चलता है, बिजली के साथ कोई नहीं चलता है। और ये इसकी जो रोटी होती है बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ, इनकी 95 साल एज है, इसी घराट की रोटी खाते हैं, इसी घराट की रोटी खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कुछ दुख बीमारियों से दूर हो जाती हैं। घराट की रोटी खाने से कई समस्याएं हल हो जाती हैं। लिहाजा हम, क्या फ़र्क लगता है आपको जैसे कोई घराट का आटा पीसते हैं या दुकान से आटा लाते हैं जो चक्की का आटा, कितना अंतर है इन दोनों में? इसमें ये अंतर है, ये पानी से चलता है, वो बिजली से चलता है। बिजली से चलने वाली चीज़ जल जाती है, वो जल जाती है। घराट से जो आटा निकलता है उसमें ये कि जलता नहीं है, पानी से आराम से चलता है, क्योंकि हमारी देसी घराट है, इससे बिल्कुल कोई जल नहीं जाता है। बिजली से जल जाता है, घराट से जलता नहीं है। और सेहत के लिए, हर किसी के लिए अच्छा होता है। इसमें चाहे कणक डालो, चाहे मक्की डालो, कुछ भी डालो, तो ये आटा बना के और अपनी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। तो ये कुछ लोग थे जो घराट के लिए आए हैं और जो घराट के जो मालिक हैं शंकर लाल जी, 95 ईयर जो इनकी एज है, लेकिन अभी भी घराट पर जो आते हैं और काम करते हैं। इसी से पता चलता है कि घराट का जो आटा है सेहत के लिए कितना अच्छा रहता है। और पहले ज़माने में कहा करते थे कि लोगों की उम्र जो है 100 क्रॉस करती थी और ये सामने दिख रहा है 95 अभी इनकी एज है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी घराट के पास
दिन भर बैठते हैं, जितने भी लोग आते हैं तो आटा पीस कर उनको देते हैं। Thank you.